आप देख सकते हो ट्रैफिक थोड़ा थोड़ा सा हो रहा है, दिन है आज सैटरडे, बट सैटरडे को भी मगर आज दिल्ली हमें नहीं जाना है, यूपी से हमारा पिकअप है और उत्तराखंड में ड्रॉप है। तो जब हो रहा है 9:58, मतलब 10 बज गए हैं। यहाँ से जो हमें पिकअप टाइमिंग दिखा रहा है ना, जो हमारे राइडर की लोकेशन है वो दिखा रहा है करीब, बट पिकअप लोकेशन पे हम अपने पहुंच गए हैं, यहीं से हमारा पिकअप होने वाला है 14 मिनट। और अभी हम पहुंच गए हैं मुजफ्फरनगर पंजाबी ढाबा पे, आप मेरे पीछे देख। फाइनली हमारा हो गया है, अभी आप चेकआउट कर सकते, खड़े हुए थे ठीक है, और अभी यहाँ से जा रहे हैं सीधे हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज हो चुकी है 16 मार्च, टाइम हो रहा है अभी 9:40, घर से हम निकल आए हैं, जा रहे हैं अपने पिकअप पे ठीक है। अभी आप देख सकते हो 9:40 का टाइम हो गया है, पिकअप जो हमारा रहने वाला है 10:30 का पिकअप टाइमिंग है, और जो ड्रॉप हमारा रहेगा आज का वो रहेगा देहरादून। जो बुकिंग हमारी है वो है बनवे की, और आज की बुकिंग भी हमने किसी एप्लीकेशन से नहीं ली है, आज का हमारा डायरेक्ट अपना पर्सनल बुकिंग है डायरेक्ट कस्टमर से ठीक है। तो आपको रेट पता ही होगा कि वही अपना रहता है हमेशा वाला ठीक, और जिसको नहीं पता उसके लिए मैं बता दूं कि जो अपना यूपी से अगर रेट रहता है वो 3500 रुपये रहता है ड्रॉपिंग, और अगर दिल्ली से रहता है तो 4000 रुपये रहता है। और कोई अगर हमारा पर्सनल कस्टमर है जो रेगुलर हमारे थ्रू गाड़ी लेते रहते हैं तो 100-200 रुपये की कोई दिक्कत की बात नहीं है, किसी के लिए कम किसी के लिए ज़्यादा हो जाता है ठीक है, डिपेंड करता है कस्टमर की कंडीशन के ऊपर। कोई ज़्यादा बुकिंग ले रहा है तो 100-200 रुपये से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कई बार होता है डिमांड हाई होती है तो वही रेट भी हाई देते हैं, और कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि अगर डिमांड हाई है और अगर उनसे 100 रुपये ज़्यादा लेने की बात कर दो ना तो वो वेंडर ही चेंज कर देते हैं ठीक है। तो कुछ लोगों की आदत ऐसी होती है कि उन्हें मतलब नहीं है, आप खुद ही अगर वो मतलब उनकी रिक्वायरमेंट है कि मुझे बुलाना चाह रहे हैं ना, तो उनका कहना सीधा रहता है कि सौरभ आपको खुद आना है, आप चाहे 100-200 रुपये कम ले लो ज़्यादा ले लो, 2 घंटे लेट आ जाओ जल्दी आ जाओ कोई फर्क नहीं ठीक है। तो कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं कि अगर उनसे 100 रुपये ज़्यादा अगर मांग दिए तो वो सीधा वेंडर चेंज कि ठीक है हम किसी और से कर लेंगे। तो खैर अपनी अपनी चॉइस के ऊपर है, जिसको जिसकी सर्विस बढ़िया लगती है वो वहाँ से बुकिंग करते हैं, आज कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपना काम इसी तरीके से चलता रहेगा। फिलहाल ये है कि ऊबर को छोड़ने के बाद भी अपना काम थोड़ा बहुत बेटर हो रहा है ठीक है, अपने कुछ कस्टमरों के डायरेक्ट कॉल आने लगे हैं जिससे कि अपना काम बढ़िया चलने लगा है। दूसरा अभी आ रहा है होली का त्यौहार, तो होली के त्यौहार पे भी कुछ काम निकलेगा, लेकिन ज़्यादातर त्यौहार पे मैंने देखा है ना, कोई भी फेस्टिवल होता है उसके 1-2 दिन पहले काम निकलना शुरू होता है ठीक है। अब 2 दिन पहले अगर निकलेगा भी तो हम कितनी बुकिंग कर लेंगे, पर चलो कोई दिक्कत नहीं, अपना इसी तरीके से चलता रहेगा ठीक है। अभी देखते हैं आज का दिन हमारा कैसा जाने वाला है, आज का जो हमारा पिकअप रहेगा वो रहेगा इंदिरापुरम से। तो अभी हम गौर सिटी के पास आ चुके हैं, घर से निकल आए, ट्रैफिक हो रहा है थोड़ा थोड़ा सा, अभी आपको दिखाते हैं, आप देख सकते हो ट्रैफिक थोड़ा थोड़ा सा हो रहा है, दिन है आज सैटरडे, बट सैटरडे को भी ट्रैफिक रहता ही है, अब तो मैं देख रहा हूँ संडे को भी ट्रैफिक रहता ही है, बस ये है कि सुबह सुबह जल्दी निकल जाओ तो ठीक है, नहीं तो पूरे दिन ट्रैफिक रहता है, सैटरडे क्या संडे क्या। आप मेरे सामने देख सकते हो ये जो है ना, ये गौर सिटी गोल चक्कर आ गया, 4 मूर्ति कहते हैं जिसे, क्योंकि यहाँ पे ना 4 मूर्ति लगी हुई है ठीक है। अब वो किस चीज की है पता नहीं, गौतम बुद्ध की है मेरे ख्याल से ठीक। तो चलिए कोई नहीं, चलते हैं फटाफट से पिकअप, 10:30 का टाइम है तो 10:30 मेरे ख्याल से हम पहुंच जाएंगे, आज तो डिले नहीं होंगे, क्योंकि जब दिल्ली जाते हैं ना तो दिल्ली में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, मगर आज दिल्ली हमें नहीं जाना है, यूपी से हमारा पिकअप है और उत्तराखंड में ड्रॉप है। तो जब यूपी से पिकअप होता है ना तो काफी मजे आते हैं, और ज्यादा टाइम खराब नहीं होता और ज्यादा हमारा पैसा भी बर्बाद नहीं होता, क्योंकि अगर दिल्ली से पिकअप करने जाएंगे 100 रुपये की MCD अपनी जेब से लगानी पड़ती है, प्लस CNG अपनी जेब से लगानी पड़ती है। और चलो कोई नहीं, करते हैं फटाफट से पिकअप, और आज का ब्लॉग हमारा स्टार्ट होता है नोएडा एक्सटेंशन से। चलिए करते हैं फटाफट से पिकअप और बताते हैं आपको पूरा दिन हमारा कैसा जाने वाला है, कहाँ कहाँ रुकेंगे और राइडर हमारे कौन है, क्या है, कैसे है ठीक है, सारा कुछ आपको बताएंगे इसी वीडियो में। और वापसी की बुकिंग देखेंगे, मिलेगी नहीं मिलेगी, रास्ते का माहौल क्या रहेगा, कैसा क्या जाने वाला है दिन, कुछ आइडिया नहीं है अभी,
सारा कुछ आपको पता चलेगा इसी वीडियो में, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो, ठीक है। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और अगर आपको कोई भी सवाल जवाब है, कुछ भी पूछना है इस लाइन से रिलेटेड, या आपको हमारे साथ सफर करना है, आपको हमारे साथ बुकिंग करनी है, कहीं भी घूमना है ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, तो आप हमें कमेंट में अपना जो भी प्लान है वो आप मुझे भेजिए, मैं आपको कोटेशन दूंगा, आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे। तो चलिए निकलते हैं फिलहाल। तो गाइस अभी हम पहुंचे हैं नोएडा 6262 पहुंच गए हैं। ट्रैफिक आप कंडीशन देख सकते हो, ट्रैफिक हो रहा है, काफी स्लोली आ रहे हैं, काफी टाइम से पीछे से ना, करीब 10-12 मिनट तो हो ही गए, तो वहां से ऐसे ही धीरे धीरे रेंग के चल रहे हैं। टाइम हो रहा है अभी 9:58, मतलब 10 बज गए हैं। यहाँ से जो हमें पिकअप टाइमिंग दिखा रहा है ना, जो हमारे राइडर की लोकेशन है वो दिखा रहा है करीब 8 मिनट के आसपास, वो ये 10 मिनट मान लो क्योंकि थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, तो हो जाएगा हमारा पिकअप आज तो टाइम पे हो जाएगा, आज डिले नहीं होंगे। और कल डिले हो गए थे, वैसे होते नहीं है डिले, मतलब कल क्या वो परसों वाली जो बुकिंग थी ना उसमें डिले हो गए थे, क्योंकि सारा ट्रैफिक का ही खेल था, ट्रैफिक की वजह से हो गए। अब ये यहाँ भी जो ट्रैफिक है ना, ये बस गोल चक्कर तक मिलेगा, देखना अभी गोल चक्कर जैसे हम क्रॉस करेंगे ना, उसके बाद ट्रैफिक खत्म, फिर मतलब हाईवे पे तो नहीं मिलेगा, नीचे मिलेगा, लेकिन हमें जाना है नीचे वाली साइड, क्योंकि हम आगे से यू टर्न लेंगे ना इंद्रापुरम के लिए, तो इसकी वजह से। तो ये देखो गोल चक्कर आ रहा है मेरे लेफ्ट साइड में, ठीक है, अब यहाँ से ट्रैफिक खत्म, ये है ना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है नोएडा, ये देखो, तो यहाँ से हो गया ना ट्रैफिक खत्म। तो चलिए करते हैं पिकअप, मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में। तो गाइस टाइम हो चुका है 10:16, पिकअप लोकेशन पे हम अपने पहुंच गए हैं, यहीं से हमारा पिकअप होने वाला है, यहां तक की लोकेशन है। अभी राइडर को कॉल करेंगे, देखते हैं थोड़ा बहुत आगे पीछे कहीं होगा, मतलब हमें जो लोकेशन भेजी है ये मिठास जो दिख रहा है ना यहीं की भेजी थी। तो अभी इंद्रापुरम में ही हम खड़े हुए हैं, CNG तो अभी हमारी है लेकिन इतनी है कि पहुंच जाएगी मेरठ मुजफ्फरनगर के आसपास ना, फिर वहां से भरा लेंगे, क्योंकि शाम को मैंने भरा ली थी, वजह से अब सुबह नहीं भराई, क्योंकि सुबह भी भराते ज्यादा आती नहीं और टाइम भी खराब होता फालतू में, तो कोई फायदा नहीं था। तो चलिए अभी करेंगे पिकअप और फिर निकलते हैं। और आज के जो राइडर है वो मैंने आपको बता ही रखा है, अपनी पर्सनल बुकिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन बुकिंग में थोड़ा टाइम को लेके भी दिक्कत रहती है और वैसे भी कई समस्याएं होती है, ठीक है। तो चलिए अभी निकलेंगे थोड़ी सी देर में, फिर रास्ते में अगर कहीं रुकते हैं कहाँ रुकेंगे सारा कुछ आपको दिखाएंगे। अभी हमें कोई आइडिया नहीं है कि हमारे ये राइडर कहाँ रुकेंगे, क्योंकि इनके साथ मैं मतलब बुकिंग तो हमारी कई हो चुकी है लेकिन मैं इनके साथ ज्यादा नहीं गया, मेरे ख्याल से लास्ट टाइम एक बार गया था, और जितनी बार भी इनकी बुकिंग आई ना मैं उस टाइम अवेलेबल हुआ नहीं, तो मैंने गाड़ी दूसरी अरेंज करके भेज दी थी, ठीक। लेकिन राइडर काफी बढ़िया है, इनकी फैमिली को मैं ले जाता रहता हूँ। तो चलिए अभी थोड़ी सी देर में मिलते हैं आपको नेक्स्ट स्टॉपेज पहुंचने के बाद। तो गाइस टाइम हो चुका है 1:14 और अभी हम पहुंच गए हैं मुजफ्फरनगर पंजाबी ढाबा पे। आप मेरे पीछे देख सकते हो ये अपनी गाड़ी लगी है, खाना पीना अपना हो गया है और चाय लेके निकल आए हैं। राइडर अभी अंदर ही है, वो अपना खाना पीना कर रहे हैं, अब जैसे वो यहाँ से निकल आएंगे वैसे हम निकल जाएंगे। इस टाइप का है कुछ, गाड़ियाँ ज़्यादा अभी हैं नहीं, चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में। फर्स्ट टाइम हो चुका है 3:52, लगभग 4 बजने वाले हैं, ड्रॉ फाइनली हमारा हो गया है। अभी आप चेकआउट कर सकते हो, इसी मंदिर के पास में हमारा ड्रॉप हुआ है और यहाँ से हम निकल रहे हैं। अभी यहाँ पे जो ये साइड में एक गली थी, इस गली में रेगुलर मैं आता रहता हूँ, मतलब कई बार जो इनको अभी सर को लेके आया ना, इन्हीं के रिलेटिव हैं, उनको लाते रहते हैं, तो फिलहाल इस गली से निकल लेते हैं, मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में CNG पंप पे पहुंचने के बाद, क्योंकि CNG अभी हमारे में ज़्यादा है नहीं तो अभी CNG डलवा लेते हैं, मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में। टाइम हो चुका है 6:46, फिलहाल बुकिंग का कोई अपडेट है नहीं, बुकिंग हमें मिली नहीं है कोई, रेस कोर्स में हम खड़े हुए थे, ठीक है, और अभी यहाँ से जा रहे हैं सीधे सस्तदारा रोड की तरफ, क्योंकि यहाँ पे पता गाड़ी लगाने में थोड़ी सी दिक्कत रहती है। एक तो यहाँ पे सबसे मेन चीज़ CNG नहीं मिल पाती है,
दोपहर में मैंने गाड़ी लगाई थी, लाइन में लगा रहा, उसके बाद सीएनजी मिली नहीं, काफ़ी देर तक लगा रहा। सीएनजी अभी मेरे में इतनी है, हाफ टैंक ना, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ से सीधे चलते हैं सस्तदारा रोड की तरफ, वहीं गाड़ी लगाएंगे प्लॉट में हमेशा की तरह, और वहाँ से थोड़ा चांसेस रहते हैं बुकिंग मिलने के, क्योंकि एक दो भाई और भी मिल जाते हैं ना इसकी वजह से। अब यहाँ पे क्या है, कोई भी है नहीं साथ का बंदा ना, तो चलिए मिलते हैं आपको सस्तदारा रोड अपने प्लॉट में पहुँचने के बाद, फिर देखते हैं बुकिंग का कैसा क्या रहेगा, नहीं होगा तो आपको अपडेट कर देंगे। फिलहाल खाना पीना वहीं करके ना, वैसे ये जगह तो बढ़िया है गाड़ी वाड़ी लगाने के लिए, लेकिन यहाँ बस दिक्कत वही है कि ये थोड़ी वीआईपी टाइप की कॉलोनी पड़ जाती है ना, तो दिक्कत आती है यहाँ पे ना, लोग हटवा देते हैं कई बार गाड़ियाँ, रात में पुलिस वाले आ जाते हैं वो भी हटवा देते हैं। तो चलो कोई नहीं, चलते हैं अपनी हमेशा वाली जगह पे ही, क्यों किसी को परेशान करना हमारी वजह से किसी को कोई दिक्कत हो। अभी शाम का नज़ारा इस टाइप का कुछ हो रखा है बढ़िया। चलो मिलते हैं थोड़ी सी देर में। सीएनजी हमने भरा लिया, आप देख सकते हो फुल हो गई है। टाइम अभी हो रहा है 7:17 और हम पहुंच गए हैं सस्तदारा रोड, ठीक है। अभी सीधा प्लॉट पे जा रहे हैं, प्लॉट पे मैंने देखा है थोड़ी सी अभी जगह खाली है, वैसे गाड़ियां तो अभी और आ ही रही हैं, और देखते हैं वहां खड़े होके फिर बुकिंग का अपडेट क्या रहेगा, बताते हैं फिर आपको बाद में, अगर मिलती है तो, नहीं मिलती है तो। गाइस टाइम हो चुका है 10:59, आप चेक कर सकते हो लगभग 11 बज गए हैं, और अभी हम यहीं पे प्लॉट पे खड़े हुए हैं देहरादून में। फिलहाल बुकिंग जो है कल की हमें बुकिंग मिल गई है, आज का तो अपना दिन ऐसा ही चला गया, पूरे दिन रेस्ट करते करते ना, अभी जस्ट बुकिंग मिली है काफी देर इंतजार करने के बाद। आप देख सकते हो जो अभी टाइम हो रहा है वो हो रहा है 10:59, 11 बज गए हैं, ठीक है। अभी अपना सोने जा रहे हैं, अभी कल की हमें बुकिंग मिली है, और वो बुकिंग कहाँ से मिली है, कहाँ से पिकअप रहेगा, कहाँ ड्रॉप रहेगा, और किस एप्लीकेशन से मिली है, कितने की बुकिंग मिली है, सारा कुछ आपको पता चलेगा कल के ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग हमारा यहीं एंड होता है, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे टैक्सी से रिलेटेड आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेंगी, और अगर पसंद आती है तो दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, और अगर आपको कोई भी सवाल जवाब है, कुछ भी इशू है इस लाइन से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसका आपको जवाब देंगे जब भी हमें टाइम मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में, देखते हैं कल का दिन हमारा कैसा जाएगा। आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है, जय हिंद, वंदे मातरम एंड गुड नाइट।